नंबर देखते हैं 45, 45 नंबर में दिया हुआ है एक्स माइनस ए बाई में एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी बाई में एक्स माइनस ए इक्वल टू में ए बाई बी प्लस में बी बाई ए। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, एक्स माइनस बी इंटू में एक्स माइनस ए इक्वल टू जो है इधर भी एलसीएम ले लेंगे ए बी। नेक्स्ट स्टेप में उसको देखा जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें से डिवाइड करते हैं, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस बी का स्क्वायर। इसमें देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा, ए जाके ऊपर इंटू करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी जाके ऊपर इंटू करेगा। तो ऊपर देखिए अब इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स प्लस का बी स्क्वायर, और बाई में इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में ए बी, यही ना है जी। चलिए अब देखते हैं उसके बाद ऊपर आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में ए बी। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से हम लोग टू एक्स कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ ए प्लस बी बच जाएगा और यहाँ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखते हैं। उसी तरह से नीचे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस, यहाँ पर हम लोग एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ प्लस ए प्लस बी यहाँ आ जाएगा और प्लस में ए बी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई में आपका ए बी। चलिए अब इसके बाद देखिए ये ए बी आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ए बी इंटू में हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए बी। चलिए अब ध्यान से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा टू ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टू ए बी इंटू में ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक ही साथ ऐसे रखते हैं। यहाँ भी देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में यहाँ एक्स और फिर प्लस ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों टर्म को हम लोग उधर लेके जाते हैं तो जीरो इक्वल टू में हो जाएगा, ये देखो उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो गया। अच्छा और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का ए बी ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा टू ए बी इंटू में ए प्लस बी इंटू में एक्स। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसमें और इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे ए प्लस बी और इंटू में एक्स को, तो यहाँ आ जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस का टू ए बी और ये एक्स, समझ गया ना, यहाँ से ए प्लस बी और एक्स को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। इक्वल टू में अब आपका ये जीरो, ये जीरो हमने इधर दे दिया तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में यहाँ आ जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कॉमन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में x, तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू में जीरो। चलिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है उधर चल जाएगा डिवाइड में तो बच जाएगा x इंटू में x माइनस का a प्लस बी इन इक्वल टू में जीरो, ये जीरो में डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, अलग अलग कर दो x बराबर जीरो और x इक्वल x माइनस a प्लस बी इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू में एक a प्लस बी आ जाएगा, एक जीरो हो गया एक a प्लस बी, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें हमारे चैनल्स के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।